रुकना भाई, अरे रुकना, अरे 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 यार तू हाँ कहाँ जा रहा है? मैं तो बंबई जा रहा था, बस मिस हो गई। अच्छा मैं भी बंबई जा रहा हूँ, आ बैठ। थैंक यू। ये बता तू बंबई क्यों जा रहा है? किसी की तलाश में। किसकी? कामयाबी की। कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। ए रुक जा मोटो, फोन मैं उठाऊंगा, इस घर का हेड सर्वेंट मैं हूं, समझे? बाबूलाल तू फोन क्यों उठाता है? तुझे याद तो कुछ रहता नहीं, हाँ कुछ भी जवाब देता है, और चोपड़ा साहब की गाली हमको सुननी पड़ती है। शट अप, चल यहां से, जाके किचन में बर्तन धो, ले लो। याद नहीं रहता मुझे। मैं अहमदाबाद से बजोड़िया सेठ बोल रहा हूँ, डब्बा बाल्टी टम्बलर वाला। आप कौन बोल रहे हैं? बैस घर का हेड सर्वेंट बाबूलाल बोल रहा हूँ। हेड भी है और सर्वेंट भी है। देखो बाबूलाल, मुझे अपने बेटे की रिश्ते की बात करने के लिए बंबई आना है, तुम चोपड़ा साहब को फोन दियो। एक मिनट। हाँ मोटो, क्या चोपड़ा कौन है अपने यहाँ? बाबूलाल चोपड़ा साहब हमारे मालिक हैं। हेलो चोपड़ा साहब, एक मिनट ठहरिए, मैं भी ढूंढ के लाता हूँ। बाबूलाल, अगर डैडी का फोन आए तो उनसे कह देना कि मैं कॉलेज से सीधे हेल्थ क्लब जाऊंगी, ठीक है? ओ जी बेबी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मार्को। अब देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, फोन ऐसे रखा हुआ है, एक दिन मैंने रहूं तो पता नहीं चोपड़ा पहले से क्या होगा। हेलो सेठ जी, आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ। मैंने ये जानने के लिए फोन किया था, आके लड़की देखने कब आऊं? अरे भाई कभी भी आइए, आप ही का घर है। ठीक है ठीक है, और बताइए धंधा पानी कैसे चल रहा है? अरे क्या बताएं, आलू प्याज तो इतने महंगे हो गए हैं कि पूछो मत। अब टमाटर देखो, मिर्च अदरक हट। अरे आप कौन बोल रहा है? मैं यहाँ का हेड सर्वेंट बाबूलाल बोल रहा हूँ। रामचंद्र तुझे क्या हुआ है? अरे पहले से बोलना चाहिए ना, कब से हंस हंस के गला फाड़ दिया। मैंने चोपड़ा साहब से बात करनी है, फोन दियो उनको। हेलो चोपड़ा साहब तो कॉलेज चले गए। चोपड़ा साहब अभी तक कॉलेज में पढ़ते हैं? अरे कहाँ गई? अरे कैसे जाने वाले हो, इतने दिनों बाद आए हो। आज तो महबूबा के राह में तुम्हें आंखें बिछा कर बैठना चाहिए था, और तुम अपनी आंखें इस किताब पर जमा बैठे हो। इसलिए कि किताबें महबूबा से बेहतर होती हैं। लाओ एटलीस्ट इंतजार तो नहीं करवाती। नाराज हो? मैं बहुत नाराज हूँ। जानती हो तुम पूरे 6 मिनट लेट आई हो। सॉरी पापा, माफ कर दो। नो 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 नो, माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। नो अच्छा तो सजा ही दे दो।
आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर बहन। मेरा मतलब है इस घर में नौकर कितने हैं? अभी बताता हूँ बेबी, तीन। और तुम? मैं तो आदमी हूँ बेबी। तो तुम नौकर नहीं हो? वो क्या है कि साहब मेरे इतना ख्याल रखते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि मैं नौकर हूँ। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी। एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी, वहाँ तो हवाई जहाज होते हैं ना। सुना, गाड़ी कहाँ है? उनका तो स्वर्गवास हो गया। क्या? हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, उनको ठंड बहुत लग रही थी, हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया तो दुनिया से लथपथ हो गए। तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे बाप की। मेरी सांस तो रुकते रुकते रह गई थी, वो तो आपने लास्ट मिनट में ऐसी स्पीड लगाई कि नंबर 30 को सोच सही रह गया होगा ना किससे पारा पड़ा है। थैंक यू बेटे, थैंक यू। अकुल करनी, हां जी, मैं गाड़ी नंबर 32 के ड्राइवर से मिलना चाहता हूं। ओके। हां क्यों नहीं, एक्सक्यूज मी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी क्या? जी नहीं। तुम तो जीत रहे थे, हार कैसे गए? मैं बरसों से आपका फैन रहा, आपको अपना गुरु मानता, और मैं नहीं चाहता था कि आप अपनी आखिरी रेस हार जाएं। इसका मतलब तुम जानबूझकर हार गए? कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता। क्या जीतना चाहते हो तुम? आपका आशीर्वाद। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। वैसे कहां के रहने वाले हो? बॉम्बे का सर, कार रेसिंग मेरी हॉबी है और स्पोर्ट्स कार्स में डील करना मेरा पेशा। ओ, मैं अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स कार ही ढूंढ रहा था, अगर कोई अच्छी गाड़ी हो तो दिखा देना। मैं परसों बॉम्बे पहुंच रहा हूं, पहुंचते ही इनको गाड़ी दिखा दूंगा। सर, कार के साथ आपकी एक फोटो चाहिए। एक मिनट, अभी आता हूं। ओके विकी, बाय बाय, सी यू इन बॉम्बे, हैव अ गुड डे सर। बेटी, मैं क्लब हाउस में हूं। सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है, और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया। तुम्हारे लिए, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की सब फीके पड़ जाएंगे, और अगर ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं? तभी तो मैंने कहा था कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। मैं सीमा चोपड़ा अपने होश आवाज में लिख रही हूँ कि मैं किसी दबाव में ना आते हुए और अपनी जिंदगी से तंग आकर
कि मैं किसी के दबाव में ना आते हुए और अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा। खुदकुशी कर रही हूँ। इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें किसी का दोष नहीं है। लो इस पर साइन करो। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम पास हो गए। 100% मार्क्स। 100% मार्क्स? हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे विश्वास का इम्तिहान। फिर ये सुसाइड नोट? खुदकुशी तो बुजदिल करते हैं, और अजय इतना कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से जिंदगी की जंग हार जाए। हम कल ही चलकर कोर्ट में शादी करेंगे, तो ठीक 1 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तो तुम खुश हो? आता है तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर बिठा दो ऐसे। अरे अजय क्या कर रहे हो? मुझे वर्टिगो है, ऊंचाई से देखते हुए मुझे चक्कर आते हैं। अजय प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो डर किस बात का? मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया से दूर ले जा रहा हूँ। शादी के बाद तो हर लड़की को अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया बसानी ही पड़ती है। और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। खामखा मुझ पर शक कर रही हो। मैं सीमा से प्यार जरूर करता था और यही सोचता था कि वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मेरी गलतफहमी उस दिन दूर हुई जब मैंने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ गार्डन में देखा। दूसरा लड़का? कौन था वो? मैं उसे नहीं जानता। हाँ, अंजलि की बर्थडे पार्टी पर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे, उनमें से एक फोटो में वो भी है। कहाँ है वो फोटो? मेरे हॉस्टल में, कल मैं लाके तुम्हें दे दूंगा। नहीं, वो फोटोग्राफ्स मुझे आज चाहिए। रवि, तू मुझे सीमा के प्रेमी की तस्वीर दिखाने लाया था, फिर उसने आत्महत्या क्यों की? उसने झूठ कहा था,
उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। रवि ने खुद अपने सुसाइड नोट में कबूल किया है कि वो सीमा का प्रेमी था और कातिल भी, और जब तुम उसके साथ यहां आई तो वो डर गया कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और उसी डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। प्रिया, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, सीमा का प्रेमी ही सीमा का कातिल था। आओ। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं सोचता हूं। ओके ओके विकी, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूं। कहिए। तुम्हारी कहानी हमारे साथ रेस के मैदान से शुरू हुई। उस रोज तुम जीतते जीतते मेरे लिए हार गए। मैंने तुम्हें अपना चेला नहीं बनाया, लेकिन तुमने मुझे गुरु मान लिया। उसके बाद सीमा की मौत का हादसा हुआ, मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन तुमने प्रिया को अपनी बहन का गम भुलाने में मदद की। तुमने प्रिया से दोस्ती बढ़ाई और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर पल तुम्हारे इंतजार में बेचैन रहे। आहिस्ता आहिस्ता तुम हमारी जिंदगी पर छा गए। मैं तुम्हारी हर चाल और तुम्हारे हर मोहरे को जान गया। मैं जान गया हूं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि तुम और प्रिया एक दूसरे को चाहते हो, और मैं तुम दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। इसलिए तुम फौरन अपने मां बाप को बुला लो, ताकि मैं तुम दोनों की मंगनी धूमधाम से कर दूं। दो साल पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे जो प्लेन की दुर्घटना हुई थी, जिसमें सारे लोग मारे गए थे, उसमें मेरे मम्मी डैडी भी थे। लेकिन मेरे मां बाप अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था, जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, उसमें मेरे मां बाप भी थे। आज के बाद मैं तुम्हें अपने मां बाप की कमी एहसास नहीं होने दूंगा। चलो बेटे, इस कुर्सी में बैठो, और आज से चोपड़ा एम्पायर की जिम्मेदारी को निभाने में मेरे बराबर के हिस्सेदार बन जाओ। आर यू हैप्पी बेटा? आज तुम दोनों जाके सेलिब्रेट करो। नहीं सर, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं आज ही से काम की शुरुआत करना चाहता हूं। वेरी गुड, शाबाश बेटे, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। चलो बेटी, शाम को घर जल्दी आ जाना। भाई साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जेल के 3 सालों ने मेरी दुनिया तबाह कर दी, मेरी बीवी मर गई, बच्चों से मां छिन गई, मैं कहीं का नहीं रहा। भाई साहब, मुझ पर तरस खाई है, मुझे जूतों की तरह पैरों में पड़ा रहने दीजिए। मैं बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा भाई साहब, कहां भटकूंगा। ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा, कभी पराया नहीं समझा, एक भाई की तरह रखा तुम्हें, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। सुनिए, ये क्या कर रहा है? भाभी जी मुझे माफ कर दो मुझे भाभी जी, मैं अपनी गलतियों में बहुत शर्मिंदा हूं, मुझ पर दया करो भाभी जी। मैं
मैं अपनी बड़ी बेटी सीमा की कसम खाकर कहता हूँ कि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। भाभी जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। सुनिए, इसे माफ कर दीजिए। इंसान से गलती हो ही जाती है। लेकिन शोभा, देखिए कोई अपने बच्चों की कसम खाकर झूठ नहीं कहेगा, और इसके आंसू बता रहे हैं ये सुधर गया है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। भाभी जी, भाभी जी क्या कर रहे हैं आप? चलो। इसे भी पैक कर देना। हाय प्रिया। हाय अंजलि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे हॉस्टल भी गई थी, लेकिन पता चला तुम वहाँ रहती नहीं। क्या है, होटल हिलटॉप में मुझे रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिल गया और मैं वहीं रहती हूँ। क्यों, कोई खास बात है? अपनी एंगेजमेंट के लिए तुम्हें इनवाइट करना था। कब है? आज शाम को, और तुम्हें जरूर आना है। आज तो मुश्किल है, मेरी नाइट ड्यूटी है। पहले पता होता तो छुट्टी ले लेती। चले प्रिया। विकी, ये है सीमा की बेस्ट फ्रेंड अंजलि, और अंजलि ये है मेरे मंगेतर मिस्टर विकी मल्होत्रा। हेलो। हेलो। लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, दुनिया बहुत छोटी जगह है ना। नहीं। चलो भाई प्रिया, तुम्हें ब्यूटी पार्लर भी पहुंचना। चलो। अच्छा अंजलि, बाय। एडवांस में मुबारक हो तुम दोनों को। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। थैंक यू। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी लंदन के कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे टेक्निकल कोलैबोरेशन के सिलसिले में जर्मनी जाना होगा। जी। वहां मुझे काफी वक्त लगने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है। इससे तुम मदन चोपड़ा की तरह कंपनी के हक में कोई भी फैसला कर सकते हो। सर, आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, ओके विकी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू सर। आई एम श्योर यू विल डू अ गुड जॉब। थैंक यू। चलो देसाई। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था मदन चोपड़ा। तूने मुझे पावर ऑफ अटर्नी नहीं, अपनी तकदीर का वो कोरा पन्ना दे दिया है, जिस पर मैं जब चाहूं तेरी बर्बादी का इतिहास लिख सकता हूं। विकी साहब, आप पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर देसाई, आप अपने काम से काम रखें, क्या सही है क्या गलत ये आपसे बेहतर मैं जानता हूं। लेकिन सर, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये झुकी झुकी पलकें, गोरी गोरी बाहें, हम क्यों ना तुम्हें चाहें, ऐसा तो हमने पहले देखा नहीं कमा।
साई, ये सब क्या है? सर, विकी साहब ने सारी कंपनीज पर कब्जा कर लिया है। क्या विकी? नमक हराम, तुके पास मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी चिल्लाओ मत, याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी थी, क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली पर दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक सपाही जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हां मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जरूरत मत करना। आउट। मैं आता हूं। हट जाओ प्रिया, इसने हमें बर्बाद किया है, ये धोखेबाज है। झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि धोखेबाज कौन है। धोखेबाज ये नहीं आप है। हट जाओ यहां से, ले जाओ मुझे। छोड़ो। रुक जाओ जय, रुक जाओ। तुम्हें तुम्हारी मां का वास्ता, जा रुक जाओ। Thank you.
मैंने अपना हक हासिल कर लिया है मां। उस तूफान को ही खत्म कर दिया जिसने हमें बेसहारा किया था मां। अब तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी मां, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक मां के लिए मां इससे बढ़कर तकलीफ क्या हो सकती है, जिसकी जिसके गोद में उसका बेटा जख्मी पड़ा हो और कुछ नहीं कर सकती। नहीं, शायद यही मेरा अंजाम था मां। नहीं मां, मुझको गलत ना समझना, मैंने ही बादल entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.